जैसे कि बहुत सारे आम आते हैं, वो महाराष्ट्र में आता है, वो कौन सा आम है, वो जो बाहर से हरा होता है, हापुस, हाँ है ना, एक बाहर से हरा और भीतर से पका होता है, ऐसा ही उसमें से। लेकिन अब बाहर से पका है कि नहीं है, हरा तो दिख रहा है, पर उसको स्पर्शन कैसे होगा, मुलायम होगा, पके होने का अनुभव होगा, ऐसी फूर्ति है। और उसकी जब देख लेता है नैनों में, हाँ पका है, अच्छा है, फिर सूंघता है, किससे सूंघता है, एक आम खरीदने जाते हो, पांचों इंद्रियों के विषय तैयार हो जाते हैं, पांचों इंद्रियों के विषय को तुमने किया कि नहीं किया बताओ। जैसे ही आपने सबसे पहले उस आम को छुआ, कौन सी इंद्री हुई, स्पर्शन इंद्री हुई, है ना। और जैसे ही आम को आपने सूंघा, कौन सी इंद्री हुई, घ्राण इंद्री है। और सूंघ करके जैसे ही आपको अच्छा है, गंध कितनी अच्छी है, तो मुंह में क्या आ गया, कौन सी इंद्री हो गई, किससे देखा, है ना, सामने वाले ने कहा ये आम है, अच्छा है, कौन सा आम है। और जैसे ही उसने अच्छे बड़ा चढ़ा के, ये बढ़िया, ये कौन सा है, हापुस आम है ना, ये बादामी आम है, और कितने प्रकार के आम होते हैं, ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, और कौन कौन से आते हैं आजकल, तोता परी आम है, अब कौन कौन से, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना, किसको ज्यादा मीठा पसंद है तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो खट्टा मीठा पसंद है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद है। ऐसे ही उसने सुनते ही, नाम लेते ही कितने इंद्रिय के विषय होगा पता, देखिए एक आम खरीदी में पांच इंद्रियों के विषय होते हैं, पांचों इंद्रियों का काम हो गया, पांचों इंद्रियों के विषय को आपने एक काम खरीदते समय बना लिया। ऐसे ही जब होता है सुगंध सेवन करता, रसना से चाहती है चखना, मुख में पानी छूटता है, तब क्षुधित का प्रिय भोजन बनता है, ये हो गया दृष्टांत। अब आ रहा है दृष्टांत आपको समझाने के लिए, है ना, यही धर्मात्मा की प्रथम पहचान है। जिसे ही आपने देखा, किसको देखा, अपने आस्थावान अपने भगवान को देखा, धर्मात्मा को देखा, धर्म को देखा, वैसे ही यही धर्मात्मा की प्रथम पहचान, क्या पहचान, मेरा सो खरा नहीं, मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। वो कभी ये नहीं कहता है नहीं हमारी चीज अच्छी है, मैं ही अच्छा हूं, नहीं, धर्मात्मा कहता है जो अच्छा है सो वो मेरा है। हो सकता है हमारी चीज में हमारे अंदर पक्षपात हो सकता है, हमारे अंदर राग द्वेष हो सकता है, हम अपनी चीज के प्रति मोह से आसक्त तो हो सकते हैं, और आसक्ति में कितने भी खराब क्यों ना हो, वह कभी उसे खराब नहीं लगता। लोक व्यवहार में अपना बेटा कितनी भी गलती करे, पर अपना बेटा तो राजे ही बेटा होता है, और दूसरों का बेटा अगर तनक कछु कर दे, कितना भी गुणवान क्यों ना हो, और अगर आपकी मन माफिक उसने नहीं किया, तो ये तो राजा बेटा नहीं, ये तो कौन सा बेटा है, खराब बेटा है, बेकार है, नालायक है, ऐसा कह देते हैं, है ना, कुछ करता धरता नहीं है। और एक वो होता है, क्यों, इसलिए कहा जा रहा है कि सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता कि मेरा है सो अच्छा है, नहीं, जो अच्छा है सो आपको सच्चा श्रद्धान भगवान के प्रति, अगर सच्चे धर्मात्मा का
आस्थावानों का अगर उनका समर्पण उनके प्रति आस्था है तो वह हमेशा यही कहता है। क्या कहता है? मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा है। वाणी में मृदुता, तन में रुजुता कैसी होनी चाहिए? वाणी में क्या होना चाहिए? मृदुता। आप धर्मात्मा के ये देखिए। और तन में रुजुता, नम्रता की मूर्ति। जो कोई भी अपने से बड़े जनों को देख करके आदर के भाव से खड़ा रहता, तभी तो ये तीन विशेषताएं उसकी है कि नम्रता की मूर्ति, तभी तो भव से प्राणी छूटता है, मुक्ति उससे वरण भरना चाहती है और उसका प्रेम भाजन बनता है। कौन? ऐसी नम्रता की मूर्ति, धर्म को आराधना करने वाले। अब आपसे पूछा जाए, दो चीजें हैं, देखिए। नीतिकारों ने लिखा है, अच्छे से ध्यान से रखना, नीतिकारों ने कहा है, तर्कस से निकला हुआ बाण और मुख से निकला हुआ वचन क्या नहीं होता? वापिस नहीं होता, लौटाया नहीं जा सकता। अब निकल गया तो क्या करें? या तो घाव करेगा, घाव करेगा। अगर सही निशाने पे गया है तो निशाना सदेगा, और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो दिग्भ्रांत भी हो जाता है। तीर को अगर सही निशाने पे छोड़ोगे तो लक्ष्य तक पहुंचेगा, और अगर उसको संभाल के नहीं भेजा तो लक्ष्य से भटक भी जाएगा। ऐसे ही बाण और बाणी दोनों कैसे होते हैं? क्योंकि तर्कस से निकला हुआ तीर यानी अपने धनुष से, एक बार निकल गया तीर वो वापिस नहीं आता, और एक बार अगर ऐसी अपनी वाणी को बोल दिया, अब तुम कहो कि अपने वापिस लो, भैया हमारे वापिस दे दो, कहते हो वे शब्द वापिस आने वाले नहीं है। इसलिए दोनों को क्या करना चाहिए? संभाल करके बोलना चाहिए। दोनों को अच्छे से क्या करके करना चाहिए? संभाल के बोलो चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल होए। अच्छे आदमी से बोलते हैं, देखिए वाणी में अगर हमारी मिठास है तो क्या होते हैं? हर कोई वहाँ पर आकर के क्या करते हैं? बैठना चाहते हैं। और वाणी में अगर कड़वापन है तो कोई भी वहाँ पर बैठना नहीं चाहती। एक बहुत अच्छा पढ़ा था, देखिए, शक्कर भी सफेद है, नमक भी सफेद है। शक्कर भी सफेद है और नमक भी, एक तरफ वो बिल्कुल बड़े ढेर लगे हुए हैं किसके? नमक के। वहां जाकर के देखना, क्या नमक के ढेर पे चींटी बैठती? बोले नहीं होती वहां चींटी, लेकिन बाजू में थोड़ी सी शक्कर पड़ी हो तो देखो, इतना सारा नमक का ढेर कोई काम का नहीं है। दिखने में दोनों एक से हैं, लेकिन थोड़ी सी एक मुट्ठी शक्कर में देखते हैं तो हजारों चींटियां लिपटी पड़ी हों। क्यों? किसकी कीमत है? ढेर की कीमत है कि गुण की कीमत है? इसलिए कहा, मिठास में वो गुण होता है कि बड़े बड़े दूर दूर से लोग आकर के भी उस मिठास को ग्रहण करना
चाहते हैं, वो कड़वावट खारापन जहाँ हो वहाँ पर कोई बैठना, वैसे ही आप अपने आप को सोचो, हमारी वाणी में कड़वाहट है, खारापन है, तीखापन है कि मीठापन है? मीठापन है तो सब अपने होंगे, एक बात है। अगर वाणी में कड़वापन आया है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरे मन में कड़वाहट है, तब तो हमारी वाणी में क्या आया? कड़वापन आया। अगर वाणी में कड़वापन आया है तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में किसी के प्रति वैमनस्यता के भाव जगे हैं, तभी आप उसको कड़वापन ऐसे बोलने की बात करते हो। इसलिए कड़वाहट वाणी में बाद में आती है, पहले कहाँ आती है? मन में आती है, व्यक्ति के हृदय में आती है। सबसे पहले करना क्या है? विचारों में मिठास होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। वही है, जहां वाणी में मृदुता है, वो मृदुता से भरी हुई वाणी जितनी होती है उतना ही मीठा होता है। और मृदुता की कीमत है, देखिए आप, क्यों कीमत क्यों मृदुता की है? आपसे पूछा जाए, कितना बड़ी से बड़ी चीज हो, है ना, अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एक पीतल भी पीला है और एक सोना भी पीला है, दिखने में दोनों कैसे हैं? एक से हैं। अगर कोई पीतल का थोड़ा सा टुकड़ा अगर पड़ा हो तो आदमी देखता है और निकल जाता है, और अगर सोने का थोड़ा सा भी पड़ा हो तो रुक जाता है, रुक जाता है और धीरे से उठाता है, उठाएगा जरूर, उठा करके देखेगा, देख करके, ओह सोना है, अरे भाई पीतल से इतनी घृणा क्यों और सोने से इतना राग क्यों? एक और बात आती है, महाराज जी ये बताओ, हमने ये देखा, अगर हमें कम से कम ये तो है, अगर हाथ में हमारी पीतल का कोई बर्तन गिरता तो बड़ी जोर से आवाज करता है ना? आप गौर करना, प्रैक्टिकल करके देखना, पीतल की कोई वस्तु पटकना तो क्या करेगी, और सोने की वस्तु को पटकना, आप नहीं तो पैटर्न करके जाकर देख लेना, दोनों गिन्नी ले लेना, सोने की अगर तुम्हारे घर पे गिन्नी हो तो धीरे से जाके चुपचाप होते ही बैठ करके वो आवाज नहीं करती, मृदुता की ये पहचान होती। जहां कठोरता होती वहां आवाज बहुत ज्यादा होती है, चिल्लाहट बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ मृदुता होती वहाँ बिल्कुल चुपचाप गिर जाएगी और छलकुन भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, पटक के देखना, आज तुम लोग प्रैक्टिकल करना घर जा करके, सोने की वस्तु गिरेगी वहीं से धीरे के धीरे गिर करके वहीं के वहीं बैठ, उछलकुन नहीं करेंगी, और एक तुम प्लेट है तो वो बहुत घूमेगी, आवाज करी खन नहीं हो, जिनको पता है चले के कछु गिर गो तो भी पता क्या गिरा दिया, अगर भूल से सोने की आपके हाथ से गिर जाती तो हमें पता ही नहीं चलता कि कछु हम आओ गिरा है। सोने की विशेषता यही, किसके कारण से ऐसा हुआ? मृदुपने जहाँ होता है वहाँ मौन होता है, गुणवान हमेशा कैसे रहते हैं? मौन ज़्यादा रहते हैं, और जहाँ गुण नहीं होते वहाँ पर क्या होती है? मुखरता ज़्यादा होती है। पीतल में आवाज बहुत है पर सोने में आवाज नहीं होती है, हैं? अब एक और बहुत है, पीतल का जब बर्तन बनाती तो उसको खूब कूटते हैं, आवाज करता है, लेकिन जब सोने का जेवर बनाते हैं तब कोई आवाज नहीं आती, धीरे धीरे ठुकता रहता है, वहां वो आवाज नहीं करता, किसके कारण से? अब पूछे,
पीतल की कीमत कम क्यों, सोने की कीमत ज्यादा क्यों, बताओ। तो उन्होंने कहा, सोना मृदु होता है और पीतल कठोर होता है, मृदुता की कीमत है। वैसे ही वाणी में भी कीमत उस वाणी की होती है जिस वाणी में मृदुता हो, मधुरता हो। अगर जिस वाणी में मधुरता नहीं है, कोई उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करता। इसलिए वाणी को ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, ये कहा गया। ऐसी शब्द कहो जिससे कि अपने अंदर भी अहंकार भी ना हो, ममकार ना हो, भय ना हो, किसी प्रकार की कोई वैमनस्था ना हो। जो तुम्हारी वाणी को सुने तो उसका भी क्या हो, सुन करके मन प्रसन्न हो जाए। कभी कभार ऐसी वाणी में ऐसे विचार आ जाते हैं जिसके कारण से एक को सुनकर के मन अच्छा हो जाता है और एक की सुनकर के मत खेद खिन्न हो जाता है। दोनों तरह की एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। एक व्यक्ति के यहां गमी हो गई, स्वर्गवास हो गया किसी का, शोक है। एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे समयसार का अध्ययन करने वाले आदमी हैं, जाकर के उनके घर पहुंच गए, लेकिन प्रासंगिक अगर समयसार की बात कही जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन अप्रासंगिक अगर वहां कही जाए तो वो बात भी अच्छी नहीं लगती है। अब वो आदमी दुख से डूबा है ना। एक व्यक्ति व्यवहारिक है, जाकर के वही बात को अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है, और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसने गलत नहीं कह रहा है, वो सही कह रहा है, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से ये कह रहा है। अब वो आदमी वहां पहुंचा, एक थोड़ा सा रूखा स्वभाव वाला, सीधा सीधा बोलना, ठेठ शब्दों में बोलना, जाकर के उसने कहा, जैसे ही वहाँ गया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए, रो रहे हैं उसको याद करते हुए, वो जाकर के कहते, काय को रोती हो, मरे व्यवहार को मरना है तो समर गो, है ना।